सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में गीता जयंती के अवसर पर सनेत सरोवर के पावन तट पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरती स्थल के निकट लायंस क्लब द्वारा 5100 दीपों को प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर उन्हीं के साथ मुल्तान सभा कुरुक्षेत्र द्वारा भी 5100 दीपों का प्रज्वलन किया गया, यानी लायंस क्लब और मुल्तान सभा द्वारा सनेत सरोवर के पावन तट पर आरती स्थल के निकट 11000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा लक्ष्मी अरोड़ा ने इस भव्य दीपदान कार्यक्रम को कुरुक्षेत्र वासियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों के लिए गौरव का क्षण बताया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे देश दुनिया में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लायंस क्लब के सचिव डॉक्टर जेपी केसरी एवं कोषाध्यक्ष संदीप मरवाहा ने कहा कि गीता में मनुष्य की हर समस्या का समाधान निहित है। प्रत्येक मनुष्य को गीता के श्लोकों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। वहीं मुल्तान सभा के प्रधान प्रदीप जाम, डॉक्टर श्याम आहूजा, धर्मेंद्र सचदेवा आदि ने भी दीप प्रज्वलित किए। लायंस क्लब परिवार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस दीपदान कार्यक्रम में भाग लिया और दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर लायंस क्लब और मुल्तान सभा के सदस्यों ने सनेत सरोवर के तट पर आयोजित सायकालीन आरती में भी भाग लिया। इस मौके पर लायंस क्लब के सदस्य प्रदीप झाम, अश्विनी जैन, देवेंद्र चावला, मनिंदर छिंदा, जितेंद्र सिंह शंटी, मिंटू बिंद्रा, विकास गर्ग, रवि रहेजा भी मौजूद रहे। अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट निदेशक ब्रजेश किंगर, मुकेश चावला, अमित सजोदिया, चंदन अरोड़ा, अश्विनी गुप्ता, विशाल सहगल, विक्की बजाज, राजेश चावड़ा आदि रहे। इस मौके पर सूरज चुक, ज्योति आहूजा, सविता अरोड़ा, सोनिका वधवा, मंजू झाम व लायंस क्लब के सदस्यों के साथ साथ मुल्तान सभा की ओर से प्रेम मदान, राजेश सचदेवा, लाला जैसाराम धवन, कृष्ण पुंडरी वाले राजेश, राजू सेठी, राजेश सचदेवा आदि भी मौजूद रहे। आज बहुत अच्छा लग रहा है गीता जयंती के महोत्सव पर। आज पूरे कुरुक्षेत्रा में देखिए, आप यहाँ सरोवर पर सभी संस्थाएं मिलकर दीपदान का आयोजन चल रहा है, दीपोत्सव यहाँ चल रहा है, और सभी जितने भी लायंस क्लब के सदस्य हैं, सभी सदस्य लेडीज़ बच्चे सभी यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने 5100 दीप जलाया। यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है कुरुक्षेत्रा में आज यहाँ पर दीपोत्सव पर। ये हमारा सौभाग्य है जी कि जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्रा विकास बोर्ड ने हमारे को ये अवसर दिया है, और पुण्य की भागी बनने का ये हमें मौका मिला है। हमारे क्लब को, हमारे क्लब के सदस्यों को, हमारे क्लब के बच्चों को, जो एक हिंदू संस्कृति की महत्व को बताने के लिए जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा ही सुखद अनुभव है। उनको ये पता लगे कि हमारी हिंदू संस्कृति में कैसे कैसे क्या क्या आयोजन होता है। तो मैं इसके लिए प्रशासन को, कुरुक्षेत्रा विकास बोर्ड को तहे दिल से, क्लब की तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत ही सुखद वातावरण है आज इस सरोवर पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे जी, लायंस क्लब जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड है, और ये मतलब हम लोग ये क्लब जो है सारा साल जो है ना इन्हीं मतलब सभी लोगों की, गरीबों की और सबके उत्थान के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम करता रहता है सारा साल। जो आज का ये विषय है उसके ऊपर, जैसे आज गीता जयंती भी है और मोक्ष एकादशी भी है, तो आज के दिन जो हम लोगों का ये 5100 दीपक का दीपदान का था प्रोजेक्ट, वो सब लोग मिलके पूरा कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमारे कुरुक्षेत्रा में करीब 41 साल पहले से ये संस्था शुरू है, 41 साल से ये क्लब चल रहा है, और सभी सीनियर्स मेंबर्स भी आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। तो सभी सामाजिक कार्य, जहाँ पर भी कहीं किसी भी गरीब को, किसी बस्ती को, किसी एजुकेशन क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं भी किसी की ज़रूरत होती है, लायंस क्लब हमेशा वहाँ सामने रहता है। हाँ जी, आज ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, और यहाँ पर आज हमें दीप जलाने का अवसर मिला है। ये दीप उत्सव होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय समारोह है जिसमें वर्चुअली पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। आज हमें लायंस क्लब की तरफ से 5100 दिए जलाने का अवसर मिला है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गीता जयंती पे इसका महत्व है कि आज अर्जुन को श्री कृष्ण ने संदेश दिया था, वो आज ही का दिन है, और ऐसे ऐसे धार्मिक दिन पर हम लोग 5100 दिए जला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये बना। मैम क्या बताएंगे? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेकर हमें आज इस गीता जयंती को कुरुक्षेत्र में मनाने का अवसर मिला है। हम बहुत से इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में भी पार्ट लेते ही हैं, और प्लस हम बहुत
सोशल वर्क करते ही हैं, लेकिन साथ में गीता जयंती पे जुड़ने का अवसर इस बार लॉयंस क्लब को मिला है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है इसको जोड़ के।